ਬਾਣ ਯਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਨੀ ਆਂਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰੋਦਮ ਦੇਖ ਲੈ ਰੋਤਕ ਮੈਂ ਦਿਖ ਵੀ ਦੂਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਮਨ ਸੋਗੇ ਉਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕੋਨੀ ਹੋਈ ਕੀ ਕਹਦਾ ਬਲਿਆ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਲੂੰਗਾ ਤੋ ਤਾਂ ਉਹਨਗੇ ਆਮ ਨਾ ਤੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਗੇ ਕੋਈ ਡੰਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜਿਆ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ ਦੇਸ਼ੀ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਤੋ ਰਹਿ भाई राम राम। एक बार फिर स्वागत है द सोनू वाली में। उचाणा मंडी में हाँ भाई, कई दिन आते एक के बाद चल रही है कि किसानों पर बर्बाद करने के लिए 3 अध्यादेश लाए गए हैं और सरकार का विरोध में जगह जगह धरने प्रदर्शन है, जगह जगह नारेबाजी हैं। तो उचाणा मंडी में भी रेस्ट हाउस का सामने धरना दिया गया है, तो बात कर लें कि पूरा पूरा मामला क्यूकर सुलझ जाएगा, क्यूकर उलझ रहा है। राम राम जी, राम राम। अपना थोड़ा परिचय दे दो। चौधरी लीलू राम, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष जी। तो आज धरना दिया है जो उचाणा मंडी में, इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है इसका अध्यादेश के विरोध में। तो जो आगे की स्ट्रेटजी है तो वह क्या रहेगी? वो आगे की स्ट्रेटजी यही, 19 तारीख तक तो ये धरना रहेगा। हाँ। 20 तारीख को नेशनल हाईवे रोड जाम करेंगे। इस टाइम भी सरकार नहीं मानी तो अगली रणनीति जो आवेगी उसके बारे में प्रधान जी बता देंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा आगे और कर लें बात। राम राम जी। राम राम। आप भी थोड़ा परिचय दे दो। हाँ जी, मैं रिटायर ऐसी नाम चांदी राम, गाँव करसिंदु। जिस प्रकार का लाठीचार्ज होया था आप भी उसमें थे, लेकिन रास्ता में रोक किया गया था, तो आपके कुछ प्रतिक्रिया हुई थी जी? रास्ता प्रतिक्रिया तो ये थी, सरकार के सख्त निर्देश थे कि मैंने पुलिस में नौकरी करी नहीं, पुलिस वाले का रवैया देख लिया था। DSP रैंक का अधिकारी पबड़ावा मिले हमारे को, बोले हमारे पे कुछ दबाव है। मैं बोले भाई दबाव है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन कर रहे हो आप। भाई हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट के तहत हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए गए थे, तो भाई तुम मौलिक अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हो? हमारे को जाने दो, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं। कोई हथियार नहीं, कोई लाठी नहीं, कोई डंडा नहीं, हम अपने व्हीकल से आराम से जा रहे हैं। कोई कि मैं शिकवा शिकायत हो तो तलाशी ले लो। बोला नहीं जान देना। उसके बाद हम जैसे गड्डी थी क्रूजर 15-16 सवारी थी, हम वापिस हमारे को बोला वहाँ चलो। हमने फिर डांड मंडी के पास ड्राइवर गाड़ी को छोड़ के बस में बैठ लिए, बस में भी बस को रुकाया। बस में रोक के उन्होंने मेरी पहचान होगी, वो नहीं बोला भाई आप नहीं जाओगे। मैं बोला भाई मेरी सिस्टर है कुरुक्षेत्र, मैं अपनी सिस्टर के जा रहा हूँ, आप फंडामेंटल राइट के तहत मेरे को कैसे रोक सकते हो? देखो वो तो मैंने अपना जाने का एक तरीका निकाला जी। उसके बाद मैं कार रिटायर ऐसे ही फिर बोले आप चले जाओ। उसके बाद गए जी हम वहाँ, देखा एक तो बुजुर्ग था जो चिब्बा गाँव का था, बुजुर्ग आदमी, वो पैर के चोट लगी थी वो, बाकी खाने का इंतजाम था। मंडी में किसे चाय वाले को नहीं घुसने दिया, ना किसे पानी वाले को बीड़ी माची सड़ा। पुलिस ने मंडी में ताकि किसान आएंगे यहाँ पानी चाय की कोई व्यवस्था ना हो पाए, ताकि यहाँ से जल्दी चले जा। मैं वहाँ मंडी में ना कोई चाय का ना कोई पानी का था, मतलब बड़ी मुश्किल से। फिर ये जो अपने यूनियन है जो बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था, इन दो ट्रैक्टर ट्रैलियों में चाय और अपना खाना वगैरह लेके वहाँ आए थे। चलूनी साहब की नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा था, देखो उसकी हम दाद करें। तो एक जो बुजुर्ग का चोट लागी थी, कईयाँ के सिर फूटे, कईयाँ कड़मों को भी में करड़े लाग रहे थे, आपने देखे भी हैं सोशल मीडिया पर, थोड़ा आगे आ जाए। राम राम जी, अपना थोड़ा परिचय दे दो। आज़ाद पालुआ, किसान नेता और इस धरने का अध्यक्ष हूँ आज। तो इतना कुछ हो लिया था, उसके बाद में जो अपने गृह मंत्री अनिल विज जी कह रहे थे कि भाई कोई लाठीचार्ज नहीं हुई, ना किसी का चोट लगी और कोई सा नहीं होया, तो आप इसका बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल कहूँगा कि गृह मंत्री है जो कहता है कि लाठीचार्ज नहीं होया, लेकिन प्रदेश का जो डिप्टी CM है वो कहता है कि हम इस लाठीचार्ज की निंदा भी करते हैं और इसकी जाँच होनी चाहिए। तो जब सरकार में मतभेद है और सरकार ये लोगों का बेवकूफ बनाना चाहती है और गुमराह करना चाहती है, और जो ये कमेटी भी बनाई गई है सरकार ने, ये भी गुमराह करने के लिए बनाई गई है। इसमें सरकार की अगर, जब मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री स्पष्ट कहता है कि ये अध्यादेश बहुत सही है और लागू होना चाहिए, जबकि किसान कह रहा है कि ये लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान को पता है कि इस अध्यादेश से कंपनी किसान का शोषण करेगी और उसको मजदूर बना के रख देगी। तो सारे बीच में रोष है जी। भाई मैं हूँ देशवाल प्रधान, गांगोली चोगामा प्रधान हूँ मैं।
ये तो सरकार आपने ईब तो पीटे हो पीपली अपनी रैली कर जाने, ये घर घर जाके पीटेगी आ सरकार, इसमें कोई न्यू ना सोचो भैया ना पीटेंगे। ईब अनिल बीज भी कह, खट्टर भी कह, दुष्यंत भी कह, भाई महाराम नाम ने तो ना तो लाठी चार्ज करवाई, आदेश नहीं दिए और ना किसे का आज लाठी लग गई। अरे ये और किसे का सर फूटे, किसे की बाँह टूटी, किसे की टांग टूटी, वह और पट्टी बंद रही, वो दुष्यंत ने उनकी सरकार ने दिख दी कौन है। धन्यवाद। अरे भाई इस धरने का भाई मैं तुने को धन्यवाद रहे। अरे भाई आड़ा जी कम से कम भी 10 गुना बढ़ाओ इसकी। मेवा सिंह जी आपके कहना चाहोगे इस रवैया सरकार? बस के कहूँगा अभी ये जो बुजुर्ग पीटे हैं बेचारे की 50-80 साल के बूढ़े थे, उनकी तस्री न्यू गई है लठ मार देने जो छोट पतंग उड़ाए कर दे, या इनकी किसी ताकत हो गई पीटने की, इतनी इन पर गोली नहीं है जितनी मारी छाती है सर, नदी खून की बह जो पूठे नहीं हटांगे, हड़ती आ गया मजदूर आ गया किसान आ गया सारे, ना मर हड़ती बिना काम चलता कौन सा के गृह मंत्री लाठी चार्ज कोई नहीं कराई, कौन सा है किमें का कौन सा इनकी राय नहीं मिल रही, दिख बीजे का बोलिया इसकी छानबीन होनी चाहिए, छानबीन तार बनी होंगी हाँ मैं करांगे, और यह तो मी में भी इसके कट्टे किमें नहीं चल जान दे सूर खाए गए वो भी पुन हो या अगर कंपनी किसी रेट लियो बैठ या करोना में ठेके में कौन आँधी यहाँ रैली कराई बड़ा क्रोधम देख ले रोहतक में दिख बीती दूसरी तो कम से कम 5,000 मनस होंगे और करोना को नहीं हो ये कर मारे 10 आदमी इकट्ठे हो गए जो कि मैं अपनी बचाव खातर कि मैं बाल लेवा और करोना होगी कौन सी धारा वाली लग रही है। अनिल विज न्यू कहवा है जान बूझ कर रोड रो क्या है करोना मर केस उल्टे किसाना पर कर दिए 307 का मन सम्मान का प्रयास का 307 के बेटी जो न्यू ने मेरा कितने 500-700 मसान चोट लग रही है बहुत बुजुर्ग बड़े बड़े पीटे वो तो कह मारे क्यों मारे क्यों नहीं वो तो न्यू को नहीं मारे क्या कोई नहीं बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी पीटे हैं तो इस टाइम पे मैले सही से हफ्ता जमींदारा ने के स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए के एक तरीका अपनाना चाहिए भाई सरकार मैले अपनी बात ने मान ली मानना ना मानना मन तो कि मैं गणा तो बेरा नहीं फिर चढ़ा मैं पूठे नहीं हटते हड़ती आ लिया किसान आ लिया ना मर हड़ती मैं ना काम चलता हाँ मैं तो सरकार का कोई भरोसा नहीं ना काम चलता मर हड़ती मैं ना ये मंडिया में दलाल ही थी छोड़ रखे हैं के कहता बोलिया मैं बीजेपी में नहीं लड़ूंगा तो उनके हमने तो कर दी थी जमना पार है ये तो इनके कोई डम जाए बेड़िया बहन बहुत रख रख कर क्यों उनसे ने भी जान दे क्यों उनसे बूढ़िया गए होंगे क्यों उनसे बूढ़े गए बात सब रहा जाएगा ईब कौन पर आगा मेरा है रहा बात है मैं एक और मेवा सिंह इस टाइम पे दुष्यंत चौटाला की फैसला लेना चाहिए तेली बात ना मैं के राय देना चाहूंगा भाई उसकी के करना चाहिए इतनी फैसला लेना चाहिए इस तरह बीजेपी का इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा हाँ दादा को उत्तम और के कहेंगे सही कहता मारा के बस है के बोबली 55,000 से जीता है टोहाना लिखा है उसका तो बाइक ना कवे रहे पुलिस है और सब बराला ना पद मिल रहा बड़ा कोई कारण इस तरह तो जो नलो मिल जो बहुत ज्यादा जीते कांग्रेस में अंदाजू ही जीते हो रही उनकी तकरार तो जानते उस मैं तो लड़ नहीं सकता नहीं हो कहा किस में नलो में तो कौन किसकी ओरी करा दुष्यंत की तो है यार मैं एक बात बताऊं ये छोटे डकड़े मुसलमान ने कहा था नहीं बोला जैसी असली होंगी तो अपने चाचा घर है इस असली होंदा जी न्यू नहीं बेरा था भाई न्यू वोट लेकर नहीं बेचेगा इस असली होंदा तो अपने चाचे तो रह रहा है। चलो जी ना? आपकी बात मान दुकान बाटरम और बाटरम देखे जड़ा नाना बन गए बाबे के अलावा में भी गए कम से कम 20,000 मनुष्य था। अच्छा। न्यू बोला तो मैं फूस ठा दिया थी रमा ठा गए चलो आगे कि मैंने गणे दिन इतनी सतीपा लेना चाहिए के तुम वो तो करियो आगे भी इलेक्शन होगा विधानसभा का आगे क्या का होगा खटारा है जियो दुष्यंत है जियो तो मैं बड़के तो दी हूँ गांव में एक मंडी में देख सख्त खिलाफ है खिलाफ है पक्का पक्का कैसा पक्का कई चीज तो सुनना मीट भी नहीं होती इतने खिलाफ है बहुत बहुत दर्द हो रहा है गणा हो गया के जमा गणा न्यू नहीं बेरा था न्यू कर देगा यू चलो उनसे भी बात कर ले एक मंडिया में है यहाँ दलाल छोड़ रखे एक मिनट हाँ जी आप क्या कहना चाहते हैं रामपाल जी से बोल रहे हैं राम राम इस पर इन लोगों ने झूठ बोल के वोट लिए किसानों से मजदूरों से आड़तियों से और आज जो अध्यादेश है वो सारे से के सारे किसान विरोधी है
मजदूर विरोधी है और किसान को दिन प्रतिदिन घाटा मिल जा रहे हैं। अमीरों को अमीर, गरीबों को गरीब बनाने की इनकी पॉलिसी है। झूठ बोल के वोट लिए हैं, आने वाला समय में इनको भुगतान करना पड़ेगा इस बात का। और किसान मजदूर एक हो गया तो ये बहुत जल्द सरदार सरकार भी उखड़ जाएगी। धन्यवाद जी। तो आपने राय जानी है काफ़ी लोगों की, आक्रोशित हैं ये सरकार की नीतियों तक। आप इस बार हम के सोचो हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई ने जय हिंद, वंदे मातरम।